विद्या कर्म जो है एक ऐसी आयुर्वेद में आई हुई चिकित्सा है जो शस्त्र कर्म कहा जाए, शल्य कर्म बताया है। अब इमरजेंसी आ रही है तो आधुनिक साइंस क्या कहेगा? आधुनिक साइंस कहेगा कि उसको आईवी लगाओ, आरएल लगाओ, डीएनएस लगाओ, फ्लूइड मैनेजमेंट करो, सब सब बताएगा। आयुर्वेद कहता है पार्श्नी पे दहा करो। या गलगंड नाम का व्याधि है हमारे यहाँ पे, गलगंड के पे उरुमूल संस्कृता, तो गलगंड तो यहाँ होता है और उलुम उरुमूल के यहाँ पे हमें वेदन कर्म बताया है, तो यहाँ से वहां सा क्या संबंध? लेकिन हमें क्या हुआ है, आधुनिक विज्ञान को हम आयुर्वेद के इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसका गलत हो रहा है। उसका एक महीने में 8 किलो वजन कम हो गया। अच्छा, और अगले महीने में प्रेगनेंसी रहेगी, आईवीएफ करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तो इतना पोटेंशियल ये विद्या कर्म है। सिर्फ क्या प्रश्न है, एक्यूरेसी से होना चाहिए, राइट ना? कि यूट्यूब में तो मिलता है ना, वीडियो मिलता है कौन सा एनेस्थेसिया देना है, कहाँ कट करना है, सारा पता है, तो हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए योग्याभ्यास बताया गया है। सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है, पटल भी इम्पोर्टेंट है, जगह भी इम्पोर्टेंट है, राइट? और कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे पहले क्या करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोविद कभी भी नहीं करना है, कोविद मीन्स कहीं पे भी विद्या टोचना, इसको विद्या नहीं कहेंगे। कोई भी ऐसी एक चिकित्सा संपूर्ण नहीं होती, राइट? हमें सारा करना पड़ता है पेशेंट को। करेक्ट। इसका अर्थ ये है, अग्नि कर्म से एक बार ठीक हो गया तो बाद में हो गया वापिस नहीं। हाँ, ठीक होने के लिए आपको 10 बार करना पड़ेगा या 15 बार करना पड़ेगा। हाँ। और आयुर्वेद से गुण आता है, और विद्या कर्म ऐड करो, आयुर्वेद से फास्ट गुण आता है।